रही हूँ ये एक छोटे बच्चे को पालने का सही तरीका नहीं है, और मैं कह रही हूँ ये मेरा बच्चा है, मैं अपना बच्चा जैसे चाहूँगी वैसे पालूंगी। ये एक बच्चे को खाना खिलाने का सही तरीका नहीं है, और मुझे पता है मेरे बच्चे को यही खाना सबसे अच्छा लगता है। ओह, मेरा छोटा बच्चा कहाँ भाग गया? मैं यही कह रही थी, छोटे बच्चे ऐसी माँ से दूर नहीं भागते जो उनका ख्याल रखती है। मेरा मानना है कि बच्चे को सिर्फ खाना खिलाना काफी नहीं होता, बच्चे को पढ़ना, पेंट करना और गाना सिखाना भी बहुत जरूरी होता है। और मेरा मानना है कि बच्चे को खाना खिलाना ही सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आहा! देखा ना, मेरा बच्चा बिना सिखाए ही पढ़ने लग गया। अब बस करो, अब बहुत हुई पढ़ाई, अब हम बच्चे को खाना खिलाएंगे, फिर हम इसे सुलाएंगे और हम फिर से इसे खाना खिलाएंगे। ओह, ये क्या, तुम्हारी मम्मी ने कितनी मेहनत से तुम्हारे लिए ये खाना बनाया और तुम्हें ये नहीं चाहिए, तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? अरे वाह, हम बनेंगे सिपाही। पैर, क्या हम ये कर सकते हैं? वाहू, उसने हाँ कह दिया, हम सब सिपाही बनेंगे अभी इसी वक्त। जूते, ग्लव्स, टोपी, पंख पहने हुए लग रहे हैं मस्केटियर्स। लो हम चले, दुश्मन होंगे पल में गुल हमारे, आज देख लेंगे जब वो मेरी रंग भरी मुस्ताज। मैं कर दूं सबको इम्प्रेस, फिर चाहे जो भी हो और पाऊं बड़ी सक्सेस, खेल ये जीतू जो। चलो चले। हे, चलो चलो, थोड़ा तेज चलाओ, तुम सब मेरे पीछे आओ। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम हमारी इंचार्ज हो? एक तो मैं यहाँ सबसे खास हूँ इसलिए, और इसलिए भी क्योंकि मैं महान योद्धा हूँ, समझी मैडम? कौन कौन हो फिर से कहना तो? मैं हूँ एक हीरो, और तुम बताओ तुम कौन हो? और तुम कौन हो? ओ, तो तुम्हें ऐसा लगता है, पर मैं कहती हूँ तुम वो नहीं हो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हूँ, मुझ जैसा यहाँ कोई नहीं, तुम जैसा निकम्मा कोई नहीं। ऐसा कहने वाली तुम कौन होती हो? चुप रहो, तुम चुप रहो, तुम हो जैसा कौन? कोई नहीं, और तुम कौन हो? तुम्हारी भी नहीं आता, तुम कहाँ जा रहे हो?
जरा हमें देखो, हम क्या कर रहे हैं? बैर इंतजार कर रहा है और हम यहाँ लड़ाई कर रहे हैं। तुम सही हो, हम सब एक जैसे सिपाही हैं। सारे प्रेजेंट्स कहाँ हैं? और हमारा चौथा साथी कहाँ चला गया? वो जरूर अकेले दुश्मन का सामना कर रहा होगा। चलो चलकर अपने साथी की मदद करें। हे जरा सुनो, क्या तुमने यहाँ से एक सिपाही को जाते हुए देखा? तुमने उसे देखा? उसके बाद यहाँ क्या हुआ? वो है एक असली महान योद्धा। देखा ना, मेरा बच्चा एक असली हीरो बन गया। और तुमने कहा था मैं सब कुछ गलत कर रही हूँ। हे मिस्टर, अपने पंजे दूर रखो। मस्केटियर्स कहते उनका सीक्रेट ये, हिम्मत है जरूरी ज्यादा ड्रेसिंग से। कर लो अपने हाथों को फिर तैयार, जब उठाओ तुम अपनी हिम्मत की तलवार। जो हो साथ हम बढ़ते जाएं, जो हो अलग गिर जाएं। आओ एक दूसरे के लिए अपने हाथ बढ़ाएं। आओ मेरे सिपाही दोस्त, अंदर आ जाओ। मछली पकड़ना उतना जरूरी नहीं जितना एक बच्चे का पेट भरना होता है। मुझे तो कुछ मीठा खाना है। अब मुझे मीठा खाने का मन हो रहा है तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं। मुझे मीठा खाने का मन है और मैं जरूर खाऊंगी। हाँ। चलो मुझे ये सारा काम अकेले ही करना होगा। Oh!
जिंदगी मजे से कटने लगेगी, फिर होगा वो एक सपने जैसा। देखो जो मैं ट्रक वाला बेच रहा आइसक्रीम, दौड़ भागो खाने के लिए और करो स्क्रीम, खाने दो मुझे, तुम करते हो क्यों ऐसा। सब कहते जल्दी मेरे दांत टूट जाएंगे, जो टूटे तो वापस फिर ना आएंगे। नहीं होगी मिस्टेक, दांत नहीं होंगे ब्रेक। चलो दोस्तों, तुम्हारा चेकअप हो जाए।
कोई शिकायत है? चलो अपना मुंह खोलो, चलो देखें। होंठ ठीक है, दांत ठीक है, छोटी जीभ। उप्स। Hmm.
Yeah!
आज मेरा बच्चा कैसा है? तैर कर था क्या है? कहीं तुम्हें तैरने से जुकाम तो नहीं हो गया है ना? तुम फिक्र मत करो मेरे बच्चे, मम्मी तुम्हें जल्द ही ठीक कर देगी। डॉक्टर की जरूरत है? पर मैं तो सिर्फ डॉक्टर डॉक्टर खेलना चाहती थी।
आसमान को छूओगे